मैं तुमसे शादी किसी कीमत पर नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या हो क्या गया है तुम्हें रुशना? अभी कुछ ही दिनों में तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम्हें अब ख्याल आया है कि तुम्हें नौफल से शादी नहीं करनी। हाँ हाँ, मुझे नौफल से शादी नहीं करनी। तुम भी ये सुन लो, जाके सब घर वालों को भी बता दो। क्या बकवास कर रही हो रुशना? तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या बकवास कर रही हो? वही जो मैं अम्मी को इतने दिनों से समझाने की कोशिश कर रही हूँ बाबा, मगर अम्मी है कि समझ ही नहीं रही। क्या मुझे भी बताओ? मुझे नौफल से शादी नहीं करनी बाबा। क्या मतलब तुम शादी नहीं करोगी? इस शादी के लिए तो तुम्हारी खुद की पसंद शामिल है। क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। क्या 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 चुप 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 प्लीज छोड़ दे। क्या कर रहे हैं आप? जवान बच्ची पे कोई ऐसे हाथ उठाता है क्या? ऐसी औलाद को तो कत्ल कर देना चाहिए। सुना तुमने? सुना क्या बकवास कर रही है? आप उसे बैठकर शूद इत्मीनान से बात कर लेना एक दफा। आराम? इसकी सारी बातें सुनने के बाद मैं आराम से बैठूं? हमारी इज्जत खाक में मिलाने पे तुली हुई है। अच्छी तरह समझा दो इसे कि हमारे बड़ों ने जो फैसला किया है वही होगा इस घर में। अम्मा जान फैसला कर चुकी है और इस घर में वही होगा जो अम्मा जान चाहती है। 5 दिन के बाद इसका निकाह है और ये फैसला हो चुका है। तो फिर मेरा भी फैसला सुन ले। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ जिब्रान से करूंगी, और अगर आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं जाकर कोर्ट में निकाह कर लूंगी। चुप हो जाओ। क्या कहा तुमने? कोर्ट जाओगी? कोर्ट जाओगी? हमारी इज्जत दिलाप करोगी? याद रखना रुष्टा, उससे पहले मैं अपने हाथ से तुम्हारा गला दबा के तुम्हारी जान ले लूंगा। क्या कर रहे हैं शहूद? कैसी बातें कर रहे हैं आप? हट जाओ, हट जाओ सामने से। ऐसी औलाद का तो मर जाना ही बेहतर है। सब देखने से पहले मर क्यों नहीं गई? मेरे नजीबुद्दरफैन घराने में कैसे दाग पड़ गया? कहां कमी रह गई मेरी तरबियत में? अम्मा जी छोड़े ये सब बात, इस वक्त सिर्फ शहूद भाई के लिए दुआ करें। हाँ, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। या अल्लाह मेरी उम्र भी उसे लग जाए। शहूद बेटा, बेटा तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बस माँ तुम्हारे लिए दुआ कर रही। मेरा बेटा कैसा दुख लगेगा? अम्मा जी हौसला करें, हम सब मिलकर इस मसले का हल निकाल लेंगे। फिलहाल शहूद भाई की फिक्र करें, उनके लिए दुआ करें। जी फातिमा बिल्कुल ठीक कह रही है, इस मुश्किल वक्त में हम सबको मजबूती से इस वक्त का मुकाबला करना है। रुशना भी नादान है, बेवकूफ है, तनी क्यों उसने ऐसा कह दिया? हालांकि सब जानते हैं कि नौफल और रुशना एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं। अरे सोहबत बिगाड़ती है इंसान को, इसीलिए मुझे उसकी दोस्तियां नहीं पसंद थी। गुल बेटा फोन मिला और पूछो कि मेरा बेटा कैसा है। जी नानी। हेलो असद भाई, अब कैसी तबीयत है? हाँ गुल, अंकल होश में आ गए। बस एक माइनर हार्ट अटैक था, मेरे डॉक्टर से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि 1 दिन ऑब्जर्वेशन रखेंगे। ठीक है, खुदा हाफिज। असद भाई बता रहे मामू को होश आ गया है, बस माइनर सा अटैक था, वो उन्हें बस 12 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे।